नमस्कार दोस्तों, जी फॉर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो एक मिनी ड्रोन को लेके है। एक दोस्त है जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो देख के एक मिनी ड्रोन भेजा है, जो विलेज पोस्ट छकरपुर तहसील खटीमा उत्तराखंड से भेजा है। दोस्त ने भेजा है, इनके मुझे पहले कॉन्टेक्ट किया था, व्हाट्सअप किया था कि इनके जो मिनी है, मैविक मिनी है, मैविक मिनी में कुछ इशू है, गिम्बल का इशू है, तो मैंने उसको पिकअप करा लिया है। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या भेजा है। ये उन्होंने मिनी ड्रोन भेजा है, मैविक मिनी, ये रिमोट है और कुछ भेजा। हाँ, एक बैटरी भेजा टेस्टिंग के लिए। देखते हैं क्या इशू है इस ड्रोन में। सबसे पहले ये इसका गिम्बल वर्क नहीं कर रहा है, देख सकते हैं गिम्बल में कोई मूवमेंट नहीं है, ये गिम्बल का इशू है, गिम्बल बिल्कुल कोई मूव नहीं हो रहा है। और फटाफट इसमें हम मोबाइल लगा के देखते हैं कि गिम्बल मूव नहीं कर रहा है। फुटेज चेक करना है हमें कि फुटेज आ नहीं रहा है, फुटेज आ रहा है कि नहीं। इससे पहले इसके लिए हमें डेटा केबल की नहीं होगी, मैं डेटा केबल ढूंढ लेता हूँ। तब गिम्बल का डेटा कुछ नहीं आ रहा है। ये गिम्बल आ गया है, ये स्टेबल नहीं है गिम्बल। फुटेज तो हमें दिख रहा है, इसका लाइव फीडिंग हो रहा है, लेकिन गिम्बल अनस्टेबल है। एरर चेक कर लेते हैं। गिम्बल स्टक, चेक वेदर गिम्बल कवर इज रिमूव्ड एंड मेक श्योर गिम्बल कैन रोटेट फ्रीली ऑन ऑल द एक्सेस। एक्चुअली कवर तो लगा नहीं है ये, लेकिन
सिंबल में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। चलिए अब इसको फटाफट खोल के देखते हैं क्या इशू है। देख सकते हैं कि ये क्रैश है और सिंबल टूटा हुआ है, ये सब टूटा हुआ पड़ा है। जीपीएस भी यहाँ से टूटा हुआ है। चूंकि गिम्बल टूटा हुआ है, गिम्बल इसका रिपेयर पता नहीं है, हमें गिम्बल चेंज करना पड़ेगा। तो इसका काम हो गया है। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको, मैं केवल इसके जो असेंबली होता है रोल मोटर या मोटर और पिच मोटर का, उसी असेंबली को चेंज किया। हमने इसकी जो लेंस, फोकस लेंस को, इस मेन लेंस को नहीं चेंज किया, क्योंकि अगर मेन लेंस को चेंज करते तो एक एरर आता, इनकम्पेटेबल गिम्बल डेटा, वो एरर आता रहता, उसमें दिक्कत होती। केवल मैंने इसके असेंबली को चेंज किया और पाइथन से मैंने इसको स्टेबल कर दिया। वो किसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे कैसे मिनी सीरीज या मैविक सीरीज की गिम्बल को कैसे स्टेबल करते हैं। जीपीएस चेंज नहीं किया हमने, जीपीएस को हमने इसको केवल रिपेयर कर दिया है। अभी इसको चेक करते हैं,
गिम्बल मूव हो रहा है, नहीं कि गिम्बल ये वर्क करेगा। एक्चुअली मैंने पहले भी चेक कर दिया था जब मैं पाइथन से इसको स्टेबल कर रहा था। अब देखिए प्रॉपर ही स्टेबल है और एकदम सेंटर में, और जिस टाइप से हम इसको हम मूव करेंगे गिम्बल अपने एक्सिस पे ही रुकी रहेगी और वेल वर्क करेगा, फुटेज में कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारा गिम्बल यहाँ पे रिपेयर हो गया है, ठीक है। अब इसको फटाफट फिट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस टाइप की कोई भी वीडियो आप देखना चाहें या आपका कोई ऐसा ड्रोन हो, कैसा भी ड्रोन हो, इसमें किसी भी टाइप का कोई एरर आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, कोई डैमेज हो, कोई इशू, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑन वीडियो सेकेंड से भी आपका पिकअप अरेंज करूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको मेरे साथ आपका एड्रेस शेयर करना है, मैं इसी एड्रेस से आपका पिकअप शेड्यूल कर दूंगा। और मेरा जो पिकअप गाय है जिससे हमने पिकअप की फैसिलिटी ले रखी है, वहाँ से वो आपके पास से वहाँ से पिक कर लेगी। पिक करने के बाद रिपेयर होने के बाद सेम 2 से 3 दिन में आपको ड्रॉप कर देगी। धन्यवाद।